देखें, आप मेरे भी बड़े हैं, अब लड़कियों का मौकफ लेके मेरे पास आए हैं, बिल्कुल एक सही बात है, लेकिन बात तो सारी यही है ना कि कोई मेरी बात भी सुने कि मेरे साथ क्या हुआ है जी। अब यूनिवर्सिटी की पूरी इंतजामिया 4-5 महीने से इस स्ट्रगल में है और मुझे लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि जी हमने सारी की सारी जितनी लीगैलिटीज थी वो सब पूरी कर ली है, ये हाउस ऑफिसर्स और जो बाहर के रहने वाले लोग हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जब इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो जाहिर है उन्होंने अखबार में भी ये चीज दी हुई है और सारी उन्होंने चीजें पूरी की हुई है। अब मुझे रजिस्ट्रार साहब या वीसी साहब अगर कहते हैं कि आपने जाके इनको हटाना है ताकि वो लड़कियां जो न्यू एडमिशन्स हैं और जो बिल्कुल नई है इस इलाके में वो यहाँ पे अकोमोडेट हो सके, वो भी डॉक्टर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन डॉक्टर्स को हटा रही हूँ तो किसी बाहर के बंदे को लेकर आ रही हूँ, वो जो नई लड़कियां 17-18 साल की एज है वो तो बिल्कुल मतलब नई है इस सिस्टम के अंदर, ये फिर भी स्टाइपेंड ले रही है गवर्नमेंट से, ये मौकफ था वीसी का और वहां की मैनेजमेंट का, इंतजामिया का, जितने भी लोग हैं उनका। तो देखिए मुझे तो अभी इस तरह से नहीं पता ना कि क्या सिचुएशन थी एक्चुअल और क्या नहीं थी, मैंने तो उसी तरीके से करना है जिस तरह से कागजी कार्रवाई मुझे बताएंगे ये लोग करने के लिए, तो मुझे जिस तरह से गाइड किया गया मैं उसी के अकॉर्डिंग गई हूँ वहां पर। लेकिन आप सोचें कि पूरी कार्रवाई जो 5 से 6 घंटे की है इसमें इस तरह से होता है कि चंद मिनट की वीडियो क्लिपिंग या वीडियो भी नहीं है बल्कि ऑडियो क्लिप्स वायरल की जाती हैं। अब पूरे के पूरे ऑपरेशन की क्लिपिंग देखें तो आपको पता चले इन लड़कियों ने आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह की डिस्कशन की है, कैसी गाली गलौज हुई है, मतलब दैट थिंग इज नॉट बीइंग हाईलाइटेड एट ऑल। हाँ, ये चीज मैनिपुलेट की जा रही है और ये किस तरह से हुआ, ना आगे का किस्सा किसी को पता है ना पीछे का किस्सा किसी को पता है। हुआ ये था कि डॉक्टर सायरा नामी एक खातून है, वो पहले तो रूम का दरवाजा नहीं खोल रही थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने रूम का दरवाजा खोला, उसमें भी मुझे इनकी इंतजामिया ने कहा कि मैडम आप आ गए हैं, ये दरवाजा नहीं खोल रही, जब दरवाजा खोला तो जी नोटिस इन्होंने फाड़ा हुआ था, इन्होंने कांस्टेबल को धक्के देना स्टार्ट कर दिए, इनकी बहस हुई है बाकायदा इंतजामिया के साथ, एक सप्ली इनकी आई हुई थी तो इंतजामिया के लोगों ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए था, मैंने भी ये बात की कि आपको पढ़ना चाहिए था, तो इन्होंने उन्हें इंतजामिया पे शिफ्ट कर दिया कि एग्जामिनेशन सिस्टम खराब है या वट एवर। इस सूरत हाल के बीच इन्होंने जो है धक्कम पेल स्टार्ट की, दरवाजे को धक्का मार के बंद किया, मतलब शी वॉज नॉट अलाइंग एनी बडी टू गो इन साइड। और इस सूरत हाल में जब मैं थोड़ा सा आगे हुई और मैंने उनको कहा कि आप अंदर आने दें हमें, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के मेरा हाथ मरोड़ा, मुझे पिंच किया। अब आप खुद सोचें एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ इस तरह का बिहेवियर, ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत है सीधी सीधी, इस पे तो कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR बनती है। मैंने तो वो FIR भी नहीं कटवाई इनके ऊपर क्योंकि मैं इनके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। इन्होंने ये चीज जो है इसको नेगेटिवली प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया है, वो सारी सिचुएशन जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक डॉक्टर सायरा के साथ हुई है, मैंने और किसी डॉक्टर को पॉइंट आउट उस पे नहीं किया। हाँ, ये औकात वाली बात को लेकर इसको इतना बड़ा मेगा इशू बनाया जा रहा है, भाई मेरी जगह कोई और खातून होती आप खुद सोचें तो वो क्या रिएक्शन देती। मुझे अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि मैडम आप तो इस पोजीशन में थी कि आप इसको मार सकती थी इस तरह के एक्शन पे, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे तो ये हाथ उठाने के चार्जेस लगते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन देखें अब ये सारी सिचुएशन जो है